Assalamualaikum, dear SLS students, 3 class, how are you? Hope you all are fine. 3 class, welcome back to your online classes and it's time for the period of English. So, students, all of you open book of the grammar tree. 3 class, we were learning about nouns, their gerunds. Yes, in our previous lecture, we have learned about masculine and feminine gender. And today we will learn about common gender and neuter gender. ठीक है, common gender वो gender जो हम ये male and female दोनों के लिए use कर सकते हैं, और neuter gender वो होता है जो कि हम ये inanimate things यानी कि बेजान चीज़ों के लिए use करते हैं. Some noun like children, student, baby, animal, parents, neighbor, which can refer to a male or female are said to be the common gender. ठीक है, वो noun, ठीक है, वो नाम जो हम बच्चों के लिए, students के लिए, babies के लिए, animals के लिए, अपने parents के लिए, ये neighbors, हमसायों के लिए, दोनों male और female दोनों के लिए use कर सकते हैं, उनको हम common gender या फिर common gender बोलते हैं. Next क्या है, note, इधर note दिया है उन्होंने, that a noun of a common gender denotes a living being. ठीक है, common gender जो है वो हम living being को ही ये denote कर सकते हैं. ठीक है, living being के लिए ही denote कर सकते हैं. अब हमें यहाँ पे कुछ common gender दे दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, thief, चोर. अब चोर तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, students, ठीक है, ये भी लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, enemy, रिलेशन, ड्राइवर, लॉयर, म्यूजिशियन, नेबर, चाइल्ड, टीचर, पर्सन, फ्रेंड, पैटर्न. पैटर्न बोलते हैं बच्चों घर के सरपरा को, ठीक है, सरप्रस्ट को, सरबरा को. जज, एथलीट, एंजल, बेबी, कजन, पेरेंट्स, ऑर्फन, आर्टिस्ट, ठीक है, ये सारे वो हैं जो हम ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं. सो बच्चों, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 48 ओपन करें. यहाँ पे एक्टिविटी सी है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द नाउन ऑफ द कॉमन जेंडर. अब यहाँ पे सेंटेंसेस है, आपने कॉमन जेंडर के जो नाउन हैं उनको अंडरलाइन करना है. माई फ्रेंड इज़ अ राइटर. राइटर ये जो ये लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, ठीक है, नॉवल्स लिखते हैं, उनको राइटर बोलते हैं. अब राइटर जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. फ्रेंड ये भी मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं. आई टीचर वॉज टॉकिंग टू द स्टूडेंट. स्टूडेंट, तालिबे इल्म, ये भी ये मेल फीमेल दोनों होते हैं. टीचर भी मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं. द बस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन बच्चे, या बच्चों में तो ये लड़का और लड़की दोनों आ जाते हैं. द जज आस्क द लॉयर सम क्वेश्चन. जज एंड लॉयर कॉमन नाउन है. अ क्रो वॉज crow was crowing outside my window. Crow. There was no driver inside the car. तो driver जो है ये common gender है. There was a goldfish in the bowl. Goldfish. A person who lies cannot be good person. The letter was sent by a messenger. तो ये messenger को आपने underline करना है. The musician bowed to the audience. Musician and audience. नेक्स्ट बच्चों, हमने न्यूटर जेंडर के बारे में पढ़ना है. यूजुअली इनएनिमेट थिंग्स यानी कि बेजान चीज़ें, दैट इज़ थिंग्स विदाउट लाइफ सच एज ब्रेक, स्टोन, पेपर, आर नॉट थॉट ऑफ एज अ मेल एंड और फीमेल. ठीक है, बेजान चीज़ें जैसे तरीके से ईंट हो गई, पत्थर या पेपर, इनको हम मेल या फीमेल के जरिए तो नहीं ना सोच सकते. नाउन्स डिनोटिंग सच एनानिमिक थिंग्स आर सेड टू बी द न्यूटर जेंडर. ठीक है, तो इन नाउन्स के लिए जो हम जेंडर यूज़ करते हैं उसको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं. आगे क्या है, डू नॉट कन्फ्यूज नाउन ऑफ कॉमन जेंडर विद द नाउन ऑफ न्यूटर जेंडर. ठीक है, हमें कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर के जो नाउन्स हैं उन दोनों को मिक्स नहीं करना है. A noun of a common gender can refer to either male or female living being. ठीक है, जो common gender है वो हम जिंदा चीज़ों को prefer करते हैं, ठीक है, male या फिर female के लिए. Noun of neuter gender refer to a things without life. और जो neuter gender जिसको हम refer करते हैं, वो जो चीज़ होती है वो बेजान होती है, वो चीज़ जिंदा नहीं होती. Activity D है, state the gender of the following noun one has been done for you. Bull. Bull क्या है, masculine gender है. Ball, गेंद,
उसमें तो आप जिंदगी नहीं ना होती, ठीक है। बेजान चीज़ है तो न्यूटर, बेबी ये कॉमन जेंडर है, अंकल मैस्कुलाइन है, डॉक्टर, डॉक्टर जो है वो मेल भी होता है फीमेल भी होता है, तो ये कॉमन जेंडर है। गूस ये बोलते हैं हंस फेमिनाइन को, ठीक है। पेंसिल बेजान चीज़ है तो ये न्यूटर जेंडर है। लायन मैस्कुलाइन मैस्कुलिन। सिंगर कॉमन, टॉय खिलौना ये न्यूटर जेंडर है। लेडी फेमिनिन। डांसर, अब डांसर जो है ये मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं तो ये कॉमन जेंडर है। सो बच्चों आपने ये दोनों एक्टिविटीज़ अपनी बुक पे सॉल्व करनी है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।